सुखेत डग मेगा हाईवे पर जो नाथूखेड़ी गांव है, यहाँ पर अनवरत 25 वर्षों से प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। भीषण गर्मी के दौरान 60 किलोमीटर इस लंबे रोड पर कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ युवकों ने यहाँ पर उस समय प्याऊ का शुरुआत की थी, जो आज भी अनवरत जारी है। इसका जो शुरुआत हुई वो किस प्रकार से हुई, हम यहाँ इनसे जानेंगे किस प्रकार से प्याऊ की शुरुआत की गई। सब हम सब छब्बीस जनवरी के दिन प्रसाद बना रहे थे और 8-10 आदमी बच्चे बैठे हुए थे, हमने सबने विषण छोड़ा और विषण के ऊपर सब चाय और बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो सबने 500 रुपए दिए और उन सबको पैसे को इकट्ठा करके प्याऊ चालू कर दी। एक एक तो मजदूर रहते थे और एक आदमी देने को दो दो आदमी मिलकर चाय या पानी पिलाते थे। जैसा कि जानकारी में आया है कि कुछ युवकों ने उस समय तत्कालीन समय पर व्यसन को छोड़ने के बाद जब इन्होंने व्यसन की शुरुआत कर दी तो दंड स्वरूप इन्होंने 500 रुपए 1000 रुपए इस प्रकार से जो दंड रखा गया और दंड राशि के जो इकट्ठी हुई वो दंड राशि इकट्ठी करके और यहाँ पर प्याऊ की शुरुआत की गई, जो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी और आज अनवरत 25 सालों से चली आ रही है, जो इस सुखेत डग मेगा हाईवे पर नाथूखेड़ी में आज भी लोगों की प्यास बुझा रही है। ये प्याऊ लगभग 1998 से पहले से प्याऊ हमारे बुजुर्गों द्वारा शुरू की गई थी, जो कि आज तक अनवरत चालू है, जिसे हम राहगीरों को बसरी बसों वालों को जो भी रोक कर उनको पानी पिलाते हैं और अब ये हम युवा टीमों द्वारा अब इसका संचालन किया जा रहा है, जो कि अनवरत जारी है। और प्याऊ भीषण गर्मी में प्याऊ 3 महीने तक चलती है, पानी पिलाते हैं और गांव वाले सब 10-10 लगाते बस वो सबको पानी पिलाते, उबे राखी ने मगा देते उसको, उसको पानी पिला के जिसके बाद चलते पानी पीके ऐसा लगता है वो कहता है भगवान तुम्हारा भला करना, ये दुआ देते है। नाथूखेड़ी में संचालित प्याऊ के दौरान यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी का जो आगमन हुआ था, उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं देखकर काफी प्रभावित भी हुए। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनसे मांग भी करी कि भाई ये रोड है, यहाँ पर दोनों साइड स्पीड ब्रेकर बनवाने की इन्होंने मांग की ताकि कोई भविष्य में दुर्घटना घटित ना हो। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ गांव के जसवंत सिंह जी मौजूद है, ये बताएं किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं और क्या इनकी मांग है। हमारी मांग ये है कि हमें CLG मीटिंग रखी गई थी तो वहाँ पे डिप्टी साहब ने बोला कि आप कहाँ से हो, मेरा नाथूगढ़ से हूँ साहब। अच्छा, तो फिर और मेरे साहब हमारे एक समस्या है कि प्याऊ है हमारे 98 की चल रही है, तो वहाँ पे क्या कि बहुत वो समस्या है तो ब्रेकर बन जाए तो अच्छा है। तो ये सब उन्होंने कहा कि अच्छा कब की चल रही है, मेरे 98 की प्याऊ चल रही है तो वहाँ एक हमारा ये समस्या है तो बस आप ये बना देना कि ठीक है मैं करूँगा अपील। तो हमारा ये है सब कि वो ब्रेकर बन जाए तो अच्छा है बस। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।